हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय दर्शन की अंतिम कड़ी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे। करीब करीब हमने सबों को पढ़ लिया, हमारे नेट का सिलेबस में जितने भारतीय दार्शनिक थे या भारतीय दर्शन था उसे हमने देख लिया है। आज अंतिम स्वामी दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन के बारे में हम जानेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, तो उनके विचारों को हम गहन रूप से जानेंगे कि शिक्षा के संबंध में उनके क्या विचार थे। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भी थे। उन्हें उनके जो भी दर्शन थे उनको तीन नाम से तीन प्रसिद्ध योगदान उन्होंने दर्शन में दिया था, जिसे सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य से जाना जाता है। तीन थे, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित पत्रिका आर्य पत्रिका भी उनके विचारों को दर्शाती है। उनके स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था और उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जगह में हुआ था, काठियावाड़ के टंकरा में हुआ था। बचपन से ही अध्ययन में उनकी बहुत रुचि थी और उन्होंने जीवन पर्यंत कर्मकांड, वैदिक ग्रंथों और साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख अध्ययन जो उन्होंने किया उसमें था पाणिनि का व्याकरण, वैदिक दर्शन प्रतिपाद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, षड दर्शन, चिकित्सा, औषध विज्ञान और सभी वेद, चारों वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने उन्हें मूल शंकर से नया नाम दिया। मूल शंकर नाम को बदलकर 24 वर्ष की आयु में उन्हें दयानंद सरस्वती कहा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनका नाम दयानंद सरस्वती किसने दिया और कब दिया। तो आपका आंसर होगा कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने उन्हें 24 वर्ष की आयु में दयानंद सरस्वती का नाम दिया। साधना यात्रा के काल में स्वामी दयानंद मथुरा में एक स्वामी थे, गिरजानंद उनके शिष्य बने। उन्होंने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया। स्वामी दयानंद ने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया। उनका वैचारिक दर्शन के केंद्र में क्या था कि वो समाज का परिष्कार और परिशोधन है। इसका मतलब क्या हुआ? समाज का परिष्कार मतलब परिष्कृत करना और समाज का को उन्नत करना, परिशोधन करना मतलब जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करना। समाज के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में आई जो भी बुराइयां थी उनको दूर करना, सामाजिक क्षेत्र में आई कुरीतियों या बुराइयों को दूर करके और समाज को परिष्कृत करना, यही उनका उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजराती स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे उल्लेखनीय सुधार क्या था कि उन्होंने एक शुरुआत की जिसका नाम आर्य समाज था और आर्य समाज का नारा था कि वेदों की ओर वापस चलो, मतलब वेदों के समय जो संस्कृति थी उस संस्कृति की ओर वापस चलो। इस आंदोलन ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पाकिस्तान का पंजाब का कुछ हिस्सा सब में अपना गहरा स्थान बताया। वहां जो हिंदू थे उनके बीच में गहरा स्थान बनाया। आर्य समाज हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए तत्पर था। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व दिया। शिक्षा के बिना उनका मानना था कि मनुष्य केवल नाम का मनुष्य होता है, नाम मात्र का। जब तक वो शिक्षित नहीं होता है तो वो सही मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्राप्त करे, सदाचारी बने, शिक्षा प्राप्त करके किसी से द्वेष ईर्ष्या न रखे, देश धर्म और समाज के लिए कार्य करे। उनके विचार में शिक्षा मनुष्य को ज्ञान, संस्कृति, धार्मिकता, आत्मनियंत्रण, नैतिक मूल्य और धारणीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करती है। धारणीय गुण कौन होता है? जो मनुष्य को धारण करना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, परोपकार, ईमानदारी, ये सारे गुण जो होते हैं वो मनुष्य को धारण करने चाहिए, ये धारणीय गुण होते हैं। और मनुष्य में विद्यमान जो अज्ञानता, कुटिलता, बुरी आदतें होती हैं उनको समाप्त करना चाहिए। वो शिक्षा को एक प्रोसेस मानते थे, एक प्रक्रिया मानते थे और बोलते थे शिक्षा का शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है और जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। उन्होंने शिक्षा को आंतरिक शुद्धि के रूप में माना है।
जो कि कर्म विचार और आचरण से प्रकट होती है। स्वामी दयानंद का कहना है या लिखा था उन्होंने कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को विद्या आदि शुभ गुण प्रदान करे और अविद्या आदि दोषों का परित्याग करे ताकि जीवन आनंदमय हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है भारत के इतिहास में, जिन्होंने उन महान विभूतियों में वो एक हैं जिन्होंने अपने स्वतंत्र चिंतन के द्वारा इस देश की शिक्षा का स्वरूप को रूपांतरित किया और नवीन दिशा देने का प्रयत्न किया। तो उस भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे स्वामी दयानंद, और उन्होंने समकालीन जो शिक्षा पद्धति थी उसकी आलोचना की, क्योंकि वो ब्रिटिश शिक्षा चल रही थी, पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क थी, मिली हुई थी, तो वो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को क्या कर रही थी, नष्ट कर रही थी और पाश्चात्य संस्कृति को थोप रही थी। तो अंग्रेजी शिक्षा के उपासक बनकर जो लोग थे उस समय ब्रिटिश पीरियड में, वो अपने देश की प्राचीन परंपराओं को भूलते जा रहे थे। तो स्वामी ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नई शिक्षा योजना का निर्माण किया जिसका आदर्श था राष्ट्र का उत्थान और मानव का उत्थान। तो इस यह योजना व्यावसायिक धारणा से परे था, वहां ये नौकरी बनाने वाली शिक्षा नहीं थी, नौकरी देने वाली शिक्षा नहीं थी, ये राष्ट्र एवं मानव के संपूर्ण जीवन की पूर्णता, व्यापकता और विशालता पर आधारित थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा का उन्होंने सूत्रपात किया इस योजना के द्वारा और भारतीय संस्कृति आदर्शों और आवश्यकताओं को स्थापित करने की कोशिश की। उनके हिसाब से या उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था कि कभी भी ये उद्देश्य नहीं था वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी कि मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए योग्य बनाना, नौकरी मिल जाए, ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती थी, या अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बना दिया जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था वैदिक काल में नहीं थी। बल्कि क्या थी वैदिक काल में शिक्षा, थी कि आत्मा में जो भी निहित शक्तियां हैं, मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं या गुण हैं, उनका विकास करके उन्नति को प्राप्त करके कहाँ पहुँचना, निःश्रेयस मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना। तो शिक्षा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए महर्षि दयानंद ने कहा कि वही शिक्षा है जिससे विद्या, सभ्यता, धर्म, जितेंद्रियता ये सब में वृद्धि हो और अविद्या जो है गलत चीजों से निवृत्ति मिले। महर्षि दयानंद विद्या को यथार्थ का दर्शन कराने वाले मानते थे और भ्रम से रहित। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को दो संविधाओं वाला बताया गया है, मतलब अथर्वयोग जो है, अथर्ववेद जो है वो वैदिक या आयुर्वेद से संबंधित है ना। तो उसमें बोला प्रथम संविधा, दो संविधा है, प्रथम संविधा भोग का प्रतीक है और द्वितीय संविधा ज्ञान का। ज्ञान और भोग के दोनों संविधाओं को प्राप्त करके, उन दोनों को प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त करना ब्रह्मचारी का उद्देश्य है। कहने का मतलब है कि केवल भोग या केवल ज्ञान मनुष्य के जीवन को सफल नहीं बनाता। तो वेद में दो संविधाएं हैं जो ये बताता है कि दोनों का संयोग ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। केवल एक संविधा केवल भोग या दूसरी संविधा केवल ज्ञान से मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता, इसलिए वैदिक शिक्षा जो है वो दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हर व्यक्ति और परिस्थिति और स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षा प्राप्त करने का, ज्यादातर यही होता है कि अच्छा व्यक्ति बनना। अच्छा व्यक्ति बनना मतलब कि एक सुयोग्य व्यक्ति अपने अच्छे गुणों के साथ तैयार होता है, तो उसे कहते हैं अच्छा व्यक्ति बनना। और वर्तमान शिक्षा में क्या है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। तो ये चीज को खत्म करके शिक्षा का लक्ष्य चरित्रवान और सुयोग्य व्यक्ति का निर्माण करना उन्होंने बताया। धन अर्जित कर लेना ही शिक्षा नहीं है। असामाजिक प्राणी भी अपने जीवन यापन के लिए खाने का बंदोबस्त कर लेता है, लेकिन वो सभ्य नहीं हो पाता। तो शिक्षित व्यक्ति को समाज, शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना, वो समाज को मदद करता है, आगे ले जाता है और उसे सुगम बनाता है। व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना शिक्षा नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों से वो आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्तित्व ऐसा विकास हो जिससे समाज का कल्याण होना चाहिए, जिसमें हमें सामाजिक मूल्यों और सिद्धांतों का शिक्षा में स्थान देना चाहिए ताकि
हम समाज के काम नहीं आए। शिक्षा प्रणाली जो थी उनकी 19वीं सदी के मध्य में दो प्रकार के शिक्षणालय विद्यमान थे। उनका 19वीं सदी के मध्य में दो प्रकार के शिक्षणालय विद्यमान थे, एक पुरानी परिपाटी के पाठशालाएं और दूसरे थे मदरसे। मदरसे जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी की पढ़ाई होती थी। पुराने पाठशालाओं में संस्कृत और मदरसे में अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी और पुराने धार्मिक साहित्य का पठन पाठन होता था। नए ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का इनमें कोई स्थान नहीं था। दूसरे प्रकार के शिक्षणालय जो थे, एक पुरानी परिपाटी के जो थे उसमें मदरसा था और पुरानी परिपाटी के पाठशालाएं थी जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी की पढ़ाई होती थी, धार्मिक साहित्य पढ़ाए जाते थे और नए ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती थी। और दूसरे प्रकार के शिक्षणालय जो थे वो ईसाई मिशनरी और अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जाती थी और उस माध्यम से पढ़ाई होती थी। अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया जाता था। ये दोनों प्रकार के शिक्षणालय भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे, न तो पुरानी परिपाटी के न नहीं। पुरानी पाठशालाओं और मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी थे वो आधुनिक युग के ज्ञान विज्ञान, नए चिंतन और जो भी प्रगति है उससे अपरिचित रहते थे और अंग्रेजी स्कूल के कॉलेज के पढ़े हुए लोग अपने संस्कृति से भी मुख होते जा रहे थे। दोनों तरह की बातें थी। पुराने वाले नए ज्ञान विज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और पुराने वाले नए वाले अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे थे। उनमें हीन भावना विकसित हो जाती थी और वो अंग्रेजी शासन को अपने देश के लिए क्या वरदान मांगने लगे थे। तो इसमें नव जागरण की बहुत सारे आंदोलन जो भारत में चल रहे थे उनके नेता भी कई थे जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और ऐसे ही स्कूल और कॉलेज को स्थापित करने में तत्पर थे जिसमें अंग्रेजी को प्रमुख स्थान मिले। ऐसी अवस्था में स्वामी जी ने अपने क्रांतिकारी विचार रखे। पाठ्यक्रम क्या था उस समय? स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया था उसमें बताया गया था अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, वेद वेदांत, दर्शन शास्त्र को स्थान दिया गया, साथ ही चिकित्सा शास्त्र, पुराने मॉडर्न सभी, राजनीति शास्त्र, युद्ध विद्या, शिल्प विद्या, भौतिक विज्ञान, गणित, ज्योतिष को भी महत्व दिया गया। वेद वेदांत, संस्कृत, दर्शन शास्त्र के साथ साथ चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, युद्ध विद्या, शिल्प विद्या, भौतिक विज्ञान, गणित, ज्योतिष के अध्ययन को महत्व दिया गया। अंग्रेजी भाषा की भी उन्होंने उपेक्षा नहीं की। वे मानते थे कि बचपन से देवनागरी अक्षरों के साथ साथ अन्य देशीय भाषाओं को भी, मतलब विदेशी भाषा को भी पढ़ाना चाहिए, वो अंग्रेजी भी हो सकती है, उसका ज्ञान आरंभ कर दिया जाए, पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। परंतु किसी विदेशी भाषा को पढ़ना एक बात है और उसे शिक्षा का माध्यम बनाना दूसरी बात है। तो भारत की विदेशी सरकार द्वारा जिस पद्धति का सूत्रपात किया गया है उसका दोष यह था कि उसमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का प्रमुख स्थान था। भारत में जो विदेशियों ने शिक्षा शुरू की उसमें अंग्रेजी का प्रमुख स्थान था और वही भाषा शिक्षा की माध्यम थी और भारत की आधुनिक तथा प्राचीन भाषाओं और उसके साहित्य की उपेक्षा की गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। महर्षि दयानंद ने इसका विरोध किया। महर्षि दयानंद जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए और उन्होंने पाठ्यक्रम निर्धारित किया उसमें संस्कृत भाषा वैदिक वांग्मय भाषा प्राचीन शास्त्रों के अध्यापन के साथ साथ नए ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। महर्षि दयानंद शिक्षा प्रणाली में चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक जोर दिया गया। ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण कर विद्या अभ्यास करने की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया ताकि बालक और बालिकाएं अपने शरीर को निरोग, बलवान और मन को शुभ संकल्प वाला और आत्मा को समुन्नत बना सके। शिक्षणालय की स्थापना उनका करना था कि नगर और ग्रामों से दूर एकांत स्थान पर होनी चाहिए शिक्षणालय या विद्यालय। इससे क्या है कि जन समाज का दूषित वातावरण का प्रभाव बच्चों पर न पड़े और इनके चरित्र में कोई दोष ना आए। इसलिए अध्यापिका लोग को भी उन्होंने कहा कि विद्वान के साथ साथ उन्हें सदाचारी होने पर भी जोर दिया। वेद भाष्य में महर्षि ने अनेक स्थानों पर विज्ञान पढ़ने पढ़ाने और शिल्प शिक्षा पर जोर दिया है।
तो वो दोनों भाषाओं के समर्थक थे, वो पाश्चात्य शिक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि भारतीय भाषाओं को भी इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए या भारतीय भाषाओं को पढ़ते हुए विदेशी भाषा को पढ़ना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार बालक बालिकाओं को 8 वर्ष के हो जाने पर उन्हें उनकी शिक्षा के संबंध में माता पिता का कर्तव्य समाप्त हो गया। माता पिता का कर्तव्य कब तक है? तो 8 वर्ष तक उन्हें बालक बालिकाओं को शिक्षा देना है, उसके बाद उन्हें उनका कर्तव्य कर्तव्य समाप्त हो गया। ठीक है, अब उनका केवल शिक्षा के संबंध में ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, भरण पोषण और भविष्य के विषय में माता पिता का कर्तव्य कब तक है? 8 साल तक। और उसके बाद उत्तरदायित्व तो किस पर आ गया? गुरुजन पर, मानव और राज्य संस्था पर आ गया। 8 वर्ष की आयु हो जाने के बाद बालक बालिकाओं को शिक्षणालयों में, विद्यालयों में भेज देना चाहिए, जिसे महर्षि ने पाठशाला, गुरुकुल, आचार्य कुल के नाम से कहा है। इस आयु के बालक बालिकाओं को गुरुजनों के द्वारा शिक्षा दी जानी है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि महर्षि दयानंद की शिक्षा प्रणाली में माता पिता का कर्तव्य कितने वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है? तो जब बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। विद्याभ्यास का काल, जिसकी न्यूनतम अवधि पुरुषों के लिए 25 साल आयु तक और स्त्रियों के लिए यह 16 साल की आयु तक है। तो 25 साल तक पुरुषों को और 16 साल तक स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आयु बताया गया, जिसमें शिष्यों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए यत्न करना है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को की विशेषता जो थी, उनके स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरुकुल प्रणाली की विशेषता थी कि बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजना माता पिता के लिए अनिवार्य है। ये महर्षि ने जोड़ दिया कि ये नहीं कि केवल लड़कों को, लड़कियों को भी भेजना है। और लिखा कि राज्य नियम, राजकीय कानून, जाति नियम होना चाहिए कि 5 से 8 वर्ष के आगे कोई भी अपने बच्चों को घर में ना रखे। उन्हें 5 वर्ष या 8 वर्ष के बाद उन्हें स्कूल भेजना ही है, विद्यालय भेजना है, ये कंपल्सरी होना चाहिए, नहीं तो उन्हें दंड मिलेगा। पाठशाला अवश्य भेज देना चाहिए और जो ना भेजे उसे दंड मिलेगा। कौन कौन सा आयु है? 5वें या 8वें वर्ष के आगे। 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपनी संतान का क्या करते? उपनयन करते, ब्राह्मण जो होते और आचार्य कुल में बच्चों को भेजते, जहाँ पूर्ण विद्वान और विदुषी स्त्री शिक्षा विद्यादान कराती है, वहाँ लड़के लड़कियों को भेज देना चाहिए। राजा को क्या करना है कि सभी कन्या और लड़कों, लड़का और लड़की को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखकर पढ़ाना, विद्वान बनाना। जो कोई उस आज्ञा को ना माने उसके माता पिता को दंड देना। जो नहीं माता पिता इस शिक्षा के लिए भेजे उनको दंड देना। तो राजा की आज्ञा से, उनका कहना था कि राजा की ऐसी आज्ञा हो कि 8 वर्ष के बाद लड़का लड़की कोई भी घर में ना रहे बल्कि आचार्य कुल में रहे, जब तक कि समावर्तन का समय ना आवे तब तक विवाह ना होने पाए। समावर्तन का मतलब शिक्षा खत्म होना, लड़कों के लिए 25 वर्ष की आयु में और लड़कियों के लिए 16 वर्ष की आयु में। शिक्षा में बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से गुरुकुल भेजना महर्षि के अनुसार वांछनीय ही नहीं था बल्कि बाध्यता थी, क्योंकि यह उनको, इसके लिए उन्होंने नियम और दंड की भी व्यवस्था करने की बात कही। राजकीय कानूनों का उल्लंघन कोई ना करे, इसलिए वो राज नियम और जाति नियम भी लागू करने की बात करते थे। महर्षि दयानंद बालक और बालिकाओं या स्त्री पुरुषों के सह शिक्षा के प्रबल विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई एजुकेशन हो, मतलब कि बालक और बालिका एक साथ शिक्षा ग्रहण करे। उनका मानना था सह शिक्षा के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने लिखा कि लड़के और लड़कियों की पाठशाला 2 कोस दूर होना चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के बीच में काफी दूरी होनी चाहिए बालकों और बालिका के स्कूल में, जहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष और भृत्य अनुचर हो। कन्या के पाठशाला में सब स्त्री
और पुरुष के पाठशाला में पुरुष रहे, स्त्रियों के पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों के पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पाए। मतलब इतना कड़ाई था कि जो लड़कियों का स्कूल था उसमें 5 वर्ष का बच्चा भी नहीं जा सकता लड़का, और लड़कों का जो स्कूल था उसमें 5 वर्ष की बालिका भी नहीं जा सकती थी। मतलब कि जब तक वे ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहे तब, ताकि उन्हें उत्तम विद्या शिक्षा शील स्वभाव सभी मिल सके और वो बलयुक्त होकर आ सके। गुरुकुल के सब विद्यार्थियों को एक जैसा खाना पीना वस्त्र निवास शिक्षा मिलती थी, वहां पर कोई भेदभाव नहीं था। सब वस्त्र खान पान आसन, चाहे वो राजकुमार हो या दरिद्र की संतान हो, वहां पर उन्होंने इक्वलिटी। तो उसमें भी शिक्षा व्यवस्था के लिए जो महर्षि दयानंद ने अपने विचार प्रकट किए, बहुत ही उत्तम विचार थे और बहुत मॉडर्न विचार थे। गुरुकुलों को नगर और ग्राम से दूर होना चाहिए, उनके शब्दों में, महर्षि के शब्दों में, 4 कोस दूर होने चाहिए, और विद्याभ्यास काल में विद्यार्थियों को शहर और ग्राम के वातावरण से दूर रहना चाहिए ताकि उन्हें नगर के जीवन के आकर्षण से मुक्त रखा जा सके। वो बाजार की चकाचौंध से दूर हो। गुरुकुल में जब प्रवेश मिल गया तो बालक और बालिकाओं को अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। महर्षि का कहना था कि उनके माता पिता न संतान से मिल सके, न संतान माता पिता से मिल सके, किसी प्रकार का पत्र व्यवहार ना हो, तो केवल पढ़ने में ध्यान दें सभी चिंताओं से मुक्त होकर। तो विद्यार्थियों का जीवन जो गुरुकुल में होगा वो तपस्यामय होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करके जो व्यक्ति इन तरह से शिक्षा प्राप्त करता है उनके हिसाब से धर्म अर्थ और काम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गुरु का अपने शिष्यों के साथ वही संबंध होना चाहिए जो माता पिता का संतान के साथ होता है। 8 वर्ष में जब माता पिता अपने संतान को गुरुकुल भेज देते हैं तो उनका स्थान कौन ले लेता है? माता पिता का स्थान गुरु और अध्यापक ले लेते हैं और बालक बालिकाओं का उसी तरह देखभाल करते हैं जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र की तरह होता है। पठन पाठन की क्या विधि थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार अक्षर ज्ञान तो माता पिता के घर पर ही हो जाता था 8 वर्ष के पहले ही, और देवनागरी अक्षर के साथ साथ अन्य देशीय भाषा जो थी उनके अक्षरों का भी। अब जब कोई बालक या बालिका गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसे देवनागरी लिपि और हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान होता था और एक विदेशी भाषा से भी उसका कुछ परिचय हो जाता था। तो गुरुकुल में आकर वह पूर्व छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा का अध्ययन फिर गुरुकुल में आने के बाद उन्हें संस्कृत पढ़ना पड़ता था। संस्कृत के लिए महर्षि ने संस्कृत के अध्यापन के लिए पाणिनि के व्याकरण पाणिनि मुनिकृत शिक्षा और अष्टाध्यायी का आश्रय लेना समुचित बताया। तो फिर किससे शिक्षा ग्रहण करना है? तो पाणिनि की शिक्षा और अष्टाध्यायी। उनकी दृष्टि में व्याकरण सबसे पहले समुचित रूप से जान जाना चाहिए, तब वैदिक काल में सभी शब्दों का, वैदिक और लौकिक शब्दों का बोध होगा। तो एक बार संस्कृत व्याकरण, उसके बाद उन्हें सबसे पहले संस्कृत व्याकरण के समुचित ज्ञान पर जोर दिया जाता था जिससे वो संस्कृत शब्दों के अभिप्राय को समझे और साहित्य को भी समझ पाए। तो महर्षि दयानंद ने आयुर्वेद के लिए 4 वर्ष समय बताया, धनुर्वेद के लिए 2 वर्ष और गांधर्ववेद के लिए स्थूल रूप से 2 वर्ष का समय रखा। इस प्रकार गुरुकुल की शिक्षा में कुल 21 साल के लगभग का है, जिसमें 13 वर्ष संस्कृत भाषा, वेद, वेदांग और अन्य शास्त्रों के अध्ययन में लगाए जाएंगे और 8 साल का समय गणित, भौतिक विज्ञान, राजनीति के अध्ययन में व्यतीत होगा। इसके अलावा रामायण और महाभारत इतिहास के ग्रंथ हैं, इसलिए शिक्षा में उन्हें भी स्थान दिया गया जिससे इतिहास का अध्ययन अभिप्रेत हो। यह तो स्पष्ट हुआ कि महर्षि द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया उन विषयों या विद्याओं को भी समुचित स्थान दिया गया जिसे आधुनिक प्रचलित भाषा में सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान कहा जाता है। इन सब इन विषयों को भी समावेशित किया गया पाठ्यक्रम में। वेद शास्त्र, धार्मिक साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, भूगोल को भी छात्र और छात्राओं को अध्ययन करना चाहिए। ये महर्षि का मत था। महर्षि के मत में स्त्रियों के लिए वैद्य मतलब वैद्यगिरी, वैद्य की पढ़ाई, गणित और शिल्प विद्या की शिक्षा को प्राप्त करना उपयोगी है, क्यों ये सभी बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए जाना चाहिए। उनका कहना था कि वैद्य संस्कृत और वैद्य गणित और शिल्प विद्या, क्योंकि
उनका गुरुकुल में विद्या अध्ययन का काल केवल 8 वर्ष होता था। 8 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक, उसके बाद उन्हें समावर्तन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकती थी 16 वर्ष की आयु में। तो 8 वर्ष में उन्हें संस्कृत, व्याकरण, धर्म, गणित, वैद्यक, शिल्प विद्या सीखनी होगी। इसके तभी संभव है जबकि शिक्षा इनकी संस्कृत व्याकरण के साथ दी जाए, पारिवारिक रूप से नहीं, मतलब एक एक करके नहीं, साथ साथ दी जाए। इससे पठन पाठन विधि में विद्यालयों के लिए जो समय निर्देश किया है उसमें उसको समझने में सहायता मिलती है। अब स्त्री शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था? ऐसे स्त्री शिक्षा का विचार तो हम लोग कुछ कुछ जान गए हैं इसको पढ़ते हुए पाठ्यक्रम गुरुकुल और शिक्षा की पद्धति से। तो स्त्री शिक्षा के बारे में, शूद्र और स्त्री शिक्षा पर जब महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, जब वो उनका आगमन हुआ, उस समय इस पर प्रतिबंध था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी चाहिए। उस युग में स्त्री शिक्षा की कल्पना करना और धर्माचार्यों का विरोध करने के साथ साथ एक आश्चर्य था। ब्राह्मणिक काल में स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा नहीं देने की बात कही गई थी। इस महर्षि की शिक्षा व्यवस्था का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर महर्षि दयानंद का कुछ है तो वह है स्त्री शिक्षा। उनका स्पष्ट अभिमत था कि जब तक स्त्रियां विदुषी नहीं होंगी तब तक उत्तम शिक्षा नहीं बढ़ेगी। अतः सभी कन्याओं को पढ़ने के लिए पूर्ण विद्या वाली स्त्रियों को नियुक्त किया। शिक्षिका भी विद्या स्त्रियां होती थी जो कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दे और वैसे ही बालकों को भी किया करे। महर्षि ने मनुष्य को पूर्ण ज्ञानवान बनाने के लिए 3 शिक्षक बोले। पहले माता जो घर से शिक्षित करके बालक बालिका दोनों को भेजती है। माता प्रथम महत्वपूर्ण शिक्षक, वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता पिता धार्मिक हों, विद्वान हों। आगे कहते हैं, जिन माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी और से नहीं। ऋग्वेद के एक मंत्र की व्याख्या में उन्होंने स्त्री को 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद और 4 उपवेद वेदांगों का उपदेश करने वाली, परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करने वाली बताते हैं। उन्होंने स्त्रियों को बहुत महत्व दिया है। तो महत्व जो शिक्षा प्रणाली और जो महर्षि दयानंद का जो शिक्षा दर्शन था वह बहुत ही क्रांतिकारी और प्रगतिशील था, जिससे कि मानव समाज में जो भी विषमता है और शोषण है वो दूर हो जाए और मनुष्य का पारस्परिक संबंधों का आधार न्यायपूर्ण हो जाए, औचित्यपूर्ण हो जाए। तो समाज के वास्तविक लोक कल्याण के लिए महर्षि द्वारा शिक्षा विषयक जो भी विचार प्रस्तुत किए गए वो सार्वभौम और सार्वकालिक हैं, अभी भी उतने ही प्रासंगिक हैं, वो हर काल में प्रासंगिक रहेंगे। तो सबसे बड़ा योगदान उनका आर्य समाज की नींव थी जिसने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में क्रांति ला दी। महर्षि दयानंद सरस्वती उन सभी समाज सुधारकों और में और आध्यात्मिक बलों में से एक हैं जो भारत जिन्हें भारत में हाल में जाना गया है। ये लेकिन इनके सुधार जो थे इतने महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी थे कि इन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। दयानंद सरस्वती के दर्शन के 3 प्रसिद्ध योगदान थे जो हमने पहले भी देखा, सत्याग्रह प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित पत्रिका आर्य पत्रिका भी उनके विचार को दर्शाती है। आर्य समाज के महान संस्थापक स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारों के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और उनका दर्शन और शिक्षा के संबंध में जो उनके विचार हैं वो अतुलनीय हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। इस तरह से भारतीय दर्शन का हमारा सब भारतीय दर्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम वेस्टर्न के 1-2 बचे हुए दार्शनिकों को पढ़ेंगे।